कैसे बन सकता है आपका बेस फ्लॉलेस और कैसे दे सकते हैं आप अपने ब्राइड को एक पिक्चर परफेक्ट स्किन कलर करेक्शन से। नमस्कार, मैं हूं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट टर्न्ड एडिटर टू द लीडिंग डिवा टॉक मैगजीन नाउ डिजिटल एंड फाउंडर ऑफ आई डिवा सैलून अवार्ड्स नाउ इन इट्स 10th ईयर। आपने हमारे मेकअप बेस और फाउंडेशंस के दोनों एपिसोड्स को बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सराहा। उन्हीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपकी टेक्निकल नॉलेज को और परफेक्ट करने के लिए लेके आए हैं ये फ्लॉलेस बेस कैसे पाएं सीरीज। ये सीरीज होंगी दो पार्ट में, क्योंकि मेकअप बेस के बाद और उससे पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसे हमने अपने फाउंडेशंस के एपिसोड में डिस्कस नहीं किया था। पहली चीज होती है कलर करेक्शन, जो बेस से पहले होती है, और दूसरी चीज होती है हाइलाइट्स एंड कंटूरिंग, जो बेस के बाद होती है। ऑफ कोर्स एक तीसरा एस्पेक्ट होता है कंसीलिंग, पर वो किसी और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कलर करेक्शन की, जो फाउंडेशन लगाने से पहले किया जाता है। और अगले एपिसोड में, यानी कि नेक्स्ट वीक, अगले मंगलवार, हम बात करेंगे आपकी हाइलाइट्स और कंटूरिंग की। तो ये दोनों एपिसोड्स रिलेटेड भी हैं और अलग भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा एम एक परफेक्ट ब्राइडल बेस है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। जी हाँ, चैनल पे पहली बार हम कर रहे हैं एक गिव अवे। हमारे अभी अभी 700 प्लस सब्सक्राइबर्स हुए हैं और हमें इस बात की खुशी है, और हम चूज करेंगे 7 लकी विनर्स। जी हाँ, रैंडमली 7 ऐसे लकी विनर्स चूज किए जाएंगे जिनको मिलेगा हमारे यानी कि डिवा टॉक की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर, जो हम आपके घर तक कोरियर करेंगे। अगर आप इस गिव अवे में पार्ट लेना चाहते हैं तो उसके हैं सिर्फ 4 रूल्स। सबसे पहले तो आपको हमारा सब्सक्राइबर होना जरूरी है, जो कि आप हैं, और अगर अभी तक नहीं है तो अब भी वक्त है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है कि आपको हमारे चैनल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, और उसके अलावा आपको हमें फॉलो करना है हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पे, जिसके लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, एंड गिव अस अ कमेंट जिसमें आप लिखेंगे कि आपको हमारे चैनल के बारे में क्या सबसे अच्छा लगता है, और हम चूज करेंगे 7 लकी विनर्स जो इस पूरे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, और उनको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर हमारी तरफ से, जो आपको आपके एड्रेस तक कोरियर किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का एपिसोड, आपको ले चलते हैं ज्ञान की खिड़की में। तो ये है हमारी ज्ञान की खिड़की, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कलर करेक्टिंग कंसीलर्स क्या होते हैं। इसको लोग कलर करेक्टर्स भी बोलते हैं फॉर शॉर्ट, या कलर करेक्टिंग कंसीलर्स। ये कंसीलर्स ही होते हैं एक तरीके के, लेकिन ये आपके एवरेज स्किन टोन कंसीलर्स से अलग होते हैं। ये नॉर्मली पर्पल, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, पीच, लाइलैक, ऐसे कलर्स में होते हैं। आपके क्लाइंट्स की स्किन में कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, कई सारी डिस्कलरेशंस होती हैं, जैसे कि डार्क सर्कल्स, आपके ग्रेश एरियाज, आपके एक्ने के स्कार्स, आपके पिगमेंटेशन, डलनेस, सैलोनेस। ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए अकेली फाउंडेशन और अकेले बाद में लगाने वाला कंसीलर काफ़ी नहीं रहता। इनके लिए आपको चाहिए होती है कलर करेक्शन, क्योंकि स्किन में जब पैची स्किन होती है, डिसकलरेशन होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, तो बेस के नीचे, आपकी फाउंडेशन के नीचे जब तक आप एक इवन आउट स्किन टोन नहीं देते, तो आपका बेस भी उतना परफेक्ट नहीं आता। अगर बेस के नीचे पैचीनेस और डिसकलरेशन है, तो बेस के ऊपर से भी वो चीज़ झांक के आएगी। और आपको चाहिए आपकी ब्राइड्स के लिए फ्लॉलेस बेस, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है कलर करेक्टिंग कंसीलर। कलर करेक्टर्स का दो मेन काम होता है, एक तो वो आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम होती है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं या उसको कवर अप करते हैं, और आपको देते हैं एक इवन स्किन टोन जिसके ऊपर आप लगा लगते हैं अपनी परफेक्ट फाउंडेशन। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि फाउंडेशन और कंसीलर से पूरी स्किन प्रॉब्लम्स कवर अप नहीं होती, और एक प्रॉपर फ्लॉलेस बेस के लिए आपको फाउंडेशन लगाने से पहले करनी होती है कलर करेक्शन। अब सवाल आता है कि कलर करेक्टर्स को कैसे चुने। कलर करेक्टर्स को या कलर करेक्शन की जो मेथड है, इसको करने के लिए आपको चाहिए होता है अंडरस्टैंडिंग कलर व्हील की, कलर व्हील की थ्योरी की।
तो ये थ्योरी अगर आपको अभी तक नहीं आती तो मैं जितने आसान तरीके से आपको समझा सकती हूँ समझा रही हूँ। ये होता है कलर व्हील, जो बनता है आधार आपकी डिसीजन का कि आपने किस प्रॉब्लम को किस तरीके से काउंटर करना है। पर अगर आपके पास ना तो कलर व्हील है और ना ही आपको ये समझ आ रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो से बनाए नोट्स और इन नोट्स के जरिए आप अपने आप को ये पूरी कलर करेक्शन की थ्योरी समझा सकते हैं और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको डेफिनेटली एक चीट शीट दूंगी, एक परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगी, जिसको देख के आप अपने कलर करेक्शंस डिसाइड कर सकते हैं। तो उसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना। अब बात करते हैं कि कलर व्हील्स क्या होते हैं। कलर व्हील वो कॉन्सेप्ट है, वो थ्योरी सिस्टम है, जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर किस कलर के साथ चलता है और कौन सा कलर किस कलर को काटता है। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंटिंग कलर थ्योरीज का। ये पेंटिंग के दौरान स्कूल कॉलेज में भी सिखाया जाता है, फैशन की दुनिया में भी सिखाया जाता है और हमारी मेकअप की दुनिया में भी लागू होता है। दो कलर्स को जब साथ में रखें तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जब एक कलर को दूसरे कलर के ऊपर कर दे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक कलर व्हील, ये बेसिक कलर व्हील है और ये केवल आपको समझाने के लिए है कि जब आप एक कलर चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने रेड चूज किया, तो रेड के एग्जैक्ट ऑपोजिट है ग्रीन, यानी कि रेड को काटने के लिए आपको ग्रीन चाहिए। इसी तरह येलो के ऑपोजिट पर्पल है, तो येलो पर्पल से कटेगा और पर्पल येलो से, और ब्लू के ऑपोजिट ऑरेंज है, तो अगर ब्लूनेस है, ग्रेनेस है, तो वो ऑरेंज से कटेगी। ये होता है बेसिक कलर व्हील। लेकिन इसकी डेप्थ में और थोड़ा जाने की जरूरत है, क्योंकि पेंटिंग और फैशन के लिए तो ये इतना समझना काफी है, लेकिन मेकअप के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि लोग हमें मैजिशियन समझते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोगों के पास इस तरीके की क्रायलॉन की किट्स होंगी या किसी भी अच्छे ब्रांड में इस तरह की आपको किट्स मिल जाएंगी, जो अगर इसकी क्रायलॉन की बात करें तो डर्मा और सुप्रा दोनों में आती हैं। बट कलर करेक्शन के लिए मैं आपको डर्मा की रेंज सजेस्ट करूंगी। सुप्रा बेस के लिए बहुत अच्छी रेंज होती है। अगेन शेड्स का डिफरेंस जो होता है बहुत सारा होता है। ये थोड़ी सी यूज पैलेट है, क्योंकि ये मैंने किसी मेकअप आर्टिस्ट से वीडियो के लिए उधार मांगी है। तो यू हैव अ येलो अंडरटोन, देन यू हैव अ रेड, यू हैव अ ब्राउन, साथ ही मार्केट में अवेलेबल है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और आई एम श्योर हर मेकअप आर्टिस्ट के किट में ये प्रोडक्ट जरूर होता है। ये एले गर्ल के हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कलर रेंज, अगर आप बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कलर रेंज ऑफ कंसीलर्स एंड कलर करेक्टर्स किसमें है, तो वो एले गर्ल में है। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी लगता है, तो आई थिंक इन दैट केस दीज आर वेरी वेल पैकेज्ड ऑल्सो। आप इसमें कंसीलर से लेके कलर करेक्टर से लेके हाईलाइट और कंटूर भी इन्हीं रेंजेस में मिल जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सभी लीडिंग ब्रांड्स में ये कलर्स अवेलेबल हैं, ये वाले टोन्स अवेलेबल होती हैं। आप अपनी पसंद के ब्रांड में ये कलर टोन सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर ब्रांड की टोन्स हैं तो आप उन्हीं के साथ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। कलर करेक्टर्स को दो तरीके से आप फोकस कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप स्किन की टोन के हिसाब से आपको जो प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली उस स्किन में मिलती हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं स्किन की टोन्स को लेकर। और दूसरा कलर करेक्शन का तरीका होता है कि जो प्रॉब्लम आपने कलर करनी है, जो आपने प्रॉब्लम कंसील कवर या न्यूट्रलाइज करनी है, आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कलर टोन से अपना करेक्टर चूज करें। हालांकि स्किन टोन्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेसिकली ऑरेंज करेक्टर चाहिए, ग्रीन करेक्टर चाहिए या येलो करेक्टर चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट करेक्शन नहीं होगी, क्योंकि एट द सेम टाइम ब्राइड्स को अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स आज की डेट में फेस होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्किन टोन में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही आए। सो वी आर गोइंग टू गो, हम फोकस करेंगे आपकी प्रॉब्लम की कलर टोन पे, जो प्रॉब्लम हमने कवर या कंसील या न्यूट्रलाइज करनी है उसकी टोनिंग पे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज़्यादा कमाल के कलर करेक्टर का, ऑरेंज या पीच। कलर व्हील में आप ध्यान से देखें तो ऑरेंज से रेड के बीच में ऑरेंज की तीन फैमिलीज आ जाती हैं, जिसमें कि येलो ऑरेंज, ऑरेंज और रेड ऑरेंज आता है, और यही एकदम ऑपोजिट है ब्लू, ब्लू पर्पल और ब्लू ग्रीन के। यानी कि जो चीज़ें ब्लू हैं या जो चीज़ें ग्रेइश हैं
उनको आपने करेक्ट करना है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? ऑरेंज कलर करेक्टर। ऑरेंज कलर करेक्टर में जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली बहुत डार्क स्किन टोन्स के लिए होता है, और अगर आपकी मीडियम टू फेयर स्किन टोन है तो ऑरेंज की जगह आप एक पीच कलर करेक्टर यूज करेंगे। ऑरेंज कलर करेक्टर्स या पीच कलर करेक्टर्स की जो फैमिली है ये यूज होती है डार्क स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस और डिसकलरेशन ऑफ द स्किन को कवर करने के लिए। सो बेसिकली अगर आपने डार्क सर्कल्स कवर करने हैं, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन की कवरेज आपको चाहिए, हाइपर पिगमेंटेशन है उसको कवर करना है, या कुछ ऐसे स्कार्स होते हैं स्किन के ऊपर, कुछ निशान होते हैं जो डार्क रह जाते हैं, छूट जाते हैं, उन्हें कवर करना है, तो उनको कवर करने के लिए आप यूज करेंगे ऑरेंज कलर करेक्टर अगर स्किन मीडियम टू डस्की है, और पीच कलर करेक्टर अगर स्किन मीडियम टू फेयर है। अगर कभी आपकी ब्राइट की स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क है या बहुत ज़्यादा डीप टोन की है तो आप ऑरेंज या फिर रेड कलर करेक्टर तक भी जा सकते हैं। कभी कभी हल्का सा ब्राइटनेस भी स्किन में ज़रूरत होती है केवल, और बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स या ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डिस्कलरेशन पिगमेंटेशन नहीं होता तो वहाँ आप एक पीच टोन का कलर करेक्टर थोड़ी सी आपकी जो डल एरियाज ऑफ द स्किन है वहाँ पे लगा के भी एक अच्छा बेस पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्पल, लैवेंडर, लाइलैक कलर करेक्टर की। कई नाम है, काम एक ही है। जब आपके क्लाइंट की स्किन में येलो अंडरटोन है, याद करेगा फाउंडेशन के एपिसोड में हमने बताया था, अगर नहीं देखा तो नीचे मैं लिंक दूंगी फाउंडेशन का एपिसोड, या इस आई बटन पे दबा के जरूर देखिएगा। तो जब आपके क्लाइंट की स्किन की अंडरटोन येलो है तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए येलो काटेगा ब्लू, जी हाँ ब्लू, आपका ब्लू, लाइलैक, पर्पल जो कलर होगा वो आपकी येलोनेस को स्किन में काटेगा। तो अगर आपने बहुत ज्यादा ग्रेनेस है, बहुत ज्यादा डल, सैलोनेस एक स्किन का टर्म होता है, सैलोनेस का क्या मतलब होता है, जब किसी क्लाइंट की स्किन बहुत ज्यादा थकी हुई लगती है, डिहाइड्रेटेड होती है, कम्प्लीटली कुछ केयर नहीं किया होता और स्किन में जो ग्लो है, जो शाइन है, जो नेचुरल खूबसूरती है वो नहीं दिख रही होती, उसको सैलो स्किन कहते हैं। कभी कभी आप कहते नहीं है कि क्लाइंट की स्किन एकदम डल है और पीली पीली सी अजीब सी हो रखी है, एनीमिया से भी कुछ लोगों की स्किन में ऐसी डिसकलरेशन आ जाती है जिससे कि वो सैलो लगते हैं, तो वो टर्म होता है सैलो स्किन। तो अगर सैलो स्किन है और बहुत ज़्यादा हाइटेंड पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग की ज़रूरत है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, तब आप यूज करेंगे पर्पल हाइलाइटर या लाइलैक लैवेंडर हाइलाइटर, डिपेंडिंग ऑन द स्किन टोन अगेन। फिर बात करते हैं हम ग्रीन कलर करेक्टर्स की। ग्रीन कलर करेक्टर्स आपकी किट का सबसे इंपॉर्टेंट कलर करेक्टर आफ्टर येलो हो सकता है। ग्रीन कलर काटेगा, कलर स्कीम को याद करिए, कलर व्हील को देखिए, ग्रीन काटेगा रेड को। जी हाँ, अगर आपको रेडनेस हटानी है, रोसेशिया जो होते हैं, जो रेड रेड चीक्स रहते हैं जिनके ज्यादातर, रेडनेस हटानी है आपको, रेड स्पॉट्स हटाने हैं, आपका एक्ने हटाना है, जी हाँ एक्ने, याद करिए एक्ने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है और एक्ने को कवर करना सबसे मुश्किल भी। तो एक्ने जब लाल लाल पिंपल्स हैं, वो एक्ने की रेडनेस है पूरे फेस पे, उसको काटने के लिए ग्रीन आपका बेस्ट फ्रेंड है। जी हाँ, जब आपने ग्रीन से कवरेज दे दिया उसके बाद जब आप अपना बेस लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आप पूरी रेडनेस कवर कर जाते हैं। ग्रीन में भी शेड्स आते हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन जो होता है वो आप यूज करेंगे फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे, और जो थोड़ा सा डार्कर ग्रीन होता है, जो प्रॉपर ग्रीन जिसको आप कह सकते हैं, वो यूज करेंगे आप मीडियम टू डीप स्किन टोन्स पे। जैसे कि मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी किट में येलो कलर करेक्टर। जी हाँ, येलो कलर करेक्टर जो है वो आपकी कूल अंडरटोन्स वाली सभी कॉम्प्लेक्शंस पे चलेगा। जहां जहां पे ब्लू है, कई पतली स्किन्स होती हैं जिनके अंडर आईज में आपको वेन्स नजर आती हैं ब्लू कलर की, कई ऐसी स्किन्स होती हैं जिसमें कि एक ब्लूनेस, एक डलनेस रहती है, कई जगह आपको क्लाइंट के फेस पे डार्क सर्कल्स काफी नीले और ग्रे से नजर आते हैं, तो इन दोनों चीजों को, इन सभी चीजों को काटने के लिए, क्योंकि ये सारी कूल फैमिली कलर टोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको काटने के लिए आपको येलो चाहिए। ब्लू का एकदम ऑपोजिट है येलो। येलो कलर करेक्टर से आप ये सारी चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप येलो आपको चाहिए होता है मीडियम टू डीप स्किन टोन या डार्क स्किन टोन्स के लिए, और फेयर स्किन अगर है तो आप लाइट येलो का भी चॉइस कर सकते हैं। ऑलिव और टैन स्किन टोन्स के लिए येलो करेक्टर्स काफ़ी परफेक्ट जाते हैं,
पर वही अगर आप फेयर टू मीडियम टोन्स में जा रहे हैं तो आपको लाइट येलो कलर करेक्टर की ज़रूरत सही रहेगी। अब हम बात करते हैं रेड कलर करेक्टर्स की या इन सम केसेस पिंक। ये हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी कम यूज़ होता है ये कलर करेक्टर, सो अगर ये आपकी किट में नहीं है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऑरेंज और रेड के बीच का, यानी कि बर्नट ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज जैसी जो कलर होती है, वो बहुत ज़्यादा डीप स्किन टोन्स पे और बहुत ज़्यादा ऑलिव और टैन स्किन टोन्स पे ज़्यादा चलती है। उसके लिए आपको कोई दो शेड्स मिक्स करने पड़ सकते हैं। कलर करेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने एज इट इज़ कंपनी से प्रोडक्ट निकाला, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ किया, क्लाइंट के फेस पे लगाया, ब्लेंड किया, बेस्ट किया और डन हो गया। कभी कभी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी पिक्यूलर होती हैं कि वार्म अंडरटोन्स की स्किन आती है लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ग्रेइश या ब्लूइश है। सो अगेन देयर इज अ कूल अंडरटोन प्रॉब्लम ऑन अ वार्म अंडरटोन स्किन। तो अब आप स्किन के मुताबिक जाएंगे कि कलर प्रॉब्लम एरिया के मुताबिक। इन केसेस में कभी कभी आपको एक या दो शेड की मिक्सिंग करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि जब आपने कलर करेक्शन की एप्लीकेशन करनी है तो कौन सी चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने कलर करेक्टर की टोन जो है वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज करनी है, यानी कि अगर फेयर स्किन टोन है तो रेड कलर करेक्टर ना चूज करके पीच या लाइट ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करना है, या एज पर द टोन मिक्स करके अचीव करना है। दूसरा, हमारे टीम ने क्वेश्चन पुट अप किया था हमारे एक्सपर्ट से कि स्पंज यूज करें, ब्रश यूज करें या फिंगर्स यूज करें। स्पंज के लिए तो एक कंप्लीट नो आया क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो स्पंज में चला जाता है और एक जो फ्लॉलेस कवरेज चाहिए होती है करेक्शन की, वो इवन टोन नहीं आ पाती। फॉर अ फाउंडेशन स्पंज अच्छी चीज़ है, ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप कलर करेक्शन कर रहे हैं तो वो आप ब्रश से करें या बेस्ट होता है फिंगर से करें। जब आप एक लिक्विडी प्रोडक्ट का कवरेज कर रहे हैं, कलर करेक्शन एक लिक्विडी प्रोडक्ट से कर रहे हैं, तो ब्रश यूज करना अच्छा रहेगा। पर जब आप इस तरीके के क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट से कलर करेक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप फिंगर्स के साथ जब कलर करेक्शन करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत पतली लेयर अपने कंसीलर्स की और अपने कलर करेक्टर्स की लगाएं। उसको आप अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा बिल्डेबल कर सकते हैं, दूसरी लेयर लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ब्लेंडेड आपकी लेयर होनी चाहिए। कहीं पर ऐसे पैचेस नहीं कि या ऑरेंज या पर्पल या ब्लू या ग्रीन, ऐसे पैचेस नहीं। इट हैज टू बी अ ब्लेंडेड कलर करेक्शन। चौथा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइलैक, लैवेंडर, पर्पल कलर है वो सब स्किन टोन्स के लिए नहीं है। अगर आपके पास वो आपकी किट में नहीं है तो घबराइए मत, शायद आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो स्किन टोन्स आती हैं उसमें ज़्यादातर पीच, ऑरेंज, रेड या थोड़ा बहुत ग्रीन का यूज़ होता है, येलो का यूज़ होता है, लाइलैक का यूज़ काफ़ी कम होता है। सो इफ़ यू डोंट हैव इट, आप चिंता ना करें। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत थोड़ा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आपको फैलावट देता है, बहुत अच्छी आपको कवरेज देता है अगर आप एक अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो। हमेशा बहुत ज़्यादा थोपा हुआ कलर करेक्शन ना करें, क्योंकि कलर करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन में अलग अलग एरियाज ऑफ पर्पल, पिंक और ब्लू नज़र आए। कलर करेक्शन का मतलब ये है कि उसको करने के बाद जो आपकी पूरी स्किन है, जो आपकी पूरी लुक है फेस की, वो इवन आए, वो स्किन टोन इवन आए, वो एक इवन फेस, एक वेल बैलेंस्ड स्किन वाला लगे। छठा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि कलर करेक्शन करनी ही है। अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड करिए करेक्शन को, क्योंकि उतनी थोड़ी बहुत करेक्शन तो आपकी फाउंडेशन और कंसीलिंग में भी आ ही जाती है। कलर करेक्टर्स और कंसीलर्स में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि कंसीलर्स कंसील करने के लिए, ढकने के लिए होते हैं, और कलर करेक्टर सिर्फ करेक्शन करने के लिए होते हैं। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट ये है कि जब भी आप कलर करेक्शन के ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे तो उसको आप बफ नहीं करेंगे, सिर्फ बाउंस करेंगे। जब आप ब्रश लेते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो बफिंग होती है। आपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए बफ किया, बट इस केस में क्योंकि आपने नीचे कलर करेक्शन दो या तीन शेड में कर रखी हैं, आप उस करेक्शन को हिलाना नहीं चाहते। आपको एक साफ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फाउंडेशन को सिर्फ बाउंस करना है, बफ नहीं करना है। अगर मैं पॉइंट, दिस इज बफिंग एंड दिस इज बाउंसिंग, तो आपको सिर्फ बाउंस करना है आपके पूरे फेस पे फाउंडेशन को।
आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और साथ ही भूलिएगा नहीं नेक्स्ट वीडियो कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग पे होगा। अब बारी आती है मेरे बोनस टिप की। बोनस टिप में मैं आज आपको बहुत सारी चीजें दे रही हूँ, साथ में आप नोट करिए ये चीट शीट जिसमें आपको बता रहा है कि रेड यानी कि एक्ने वो काटेगा ग्रीन, डार्क सर्कल्स यानी कि ब्लू उसको काटेगा ऑरेंज और सैलो स्किन यानी कि डल स्किन उसको काटेगा पर्पल। तो एक रफ आइडिया आपको पूरी टोनिंग का मिल गया है, इससे आप समझ सकते हैं कि कलर व्हील को आपने कैसे यूज करना है। और जहां तक बात है कलर करेक्टिंग की चीट शीट की, तो ये आपके पास चीट शीट है, इसका बेशक आप बिना सोचे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही रखिए इस चीट शीट को भी। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया और भूलिएगा नहीं हमारा वो बड़ा सा गिव अवे। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारे चैनल में एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है, क्या पता आप ही हो वो लकी विनर। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। दिव्या शर्मा दया सुपरमॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग चॉकलेट लवर मेकअप आर्टिस्ट टर्न्ड एडिटर टू द लिविंग डीवा टॉक मैगजीन नाउ डिजिटल एंड फाउंडर ऑफ आई डीवा सैलून अवार्ड्स नाउ इन इट्स 10th ईयर। नमस्कार।